समाज में हूं तो ये देन आदरणीय नेताजी की है, मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहूंगा, बस यही कहता हूं क्या जीवन है, समाज में सम्मान है, इज्जत है, रहने लायक है, खड़े हैं, समाज में गरीब शोषित की अगर लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये देन आदरणीय नेताजी की है, हम लोगों के इसमें कुछ भी नहीं, उनका आशीर्वाद है। आप लोग तो सदैव से साथ रहे, मेरा परिवार भी साथ रहा, लेकिन जब मैं विषम परिस्थितियों में कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़ना पड़ा तो नेताजी से कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे शिष्य आदरणीय श्री ज्ञान सिंह का पुत्र है वो मनीष, अगर आप कह दोगे कि तुम पर्चा वापस कर दो तो मनीष तुम्हारा पर्चा वापस कर देगा, ये हम जानते हैं उस परिवार को आपके प्रति। तब नेताजी के जो शब्द थे वो आज तक हम लोगों के जहन में है। उन्होंने कहा उस लड़के को भी तो पढ़ने का अधिकार है, तुम लोग पढ़ाओगे नहीं तो उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन समाजवादी लोग अपने स्थान पर आए उसको भी हमारा आशीर्वाद है, नेताजी का आशीर्वाद था। और मैं भगवान का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि मेरे पिता मेरे भाई सब समाजवादी रहे और अंतिम क्षणों में नेताजी के साथ रहने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं सदैव भगवान का ऋणी रहूंगा, राजनीतिक फैसले कुछ भी हो लेकिन मेरी आत्मा मेरा भगवान मेरा परिवार मेरे लोग हम लोग इसलिए प्रसन्न हैं कि अंतिम क्षणों में हम नेताजी की बनाई समाजवादी पार्टी में थे और उनका मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, ये मेरे सौभाग्य की बात है। मैं एक बात क्या कि आप सबको अपनी बात को समाप्त करवाते हैं, जी धूप बहुत हो रही, समय बहुत कम है, कि भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर शोषित समाज दलित समाज बैकवर्ड समाज और सब समाज को अगर कोई सम्मान समाज में देने का किसी ने अगर कार्य किया तो ना मैं जानता हूँ तो वो धरती पुत्र नेताजी थे, उनके बीच की कहानियों को मैं जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के गए क्योंकि जो भगवान कब प्रकट होते हैं वो कभी ना कभी जाते भी हैं, लेकिन हमारे भगवान आदरणीय नेताजी भगवान श्री कृष्ण अगर गए हम सबको छोड़कर तो श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण हमको लेके गए हैं, जो भगवान की कथाएं हम सबको बताती है जी धर्म कैसे बचना है, समाज कैसे चलना है, समाज में कैसे रहना है, भगवान श्री कृष्ण गीता को उपदेश दिया, यही उपदेश हम सबको आदरणीय नेताजी ने भी समाजवादी विचारधारा को हम सब में प्रभावित करके दिया है, समाजवादी विचारधारा से समाजवादी पार्टी से जोड़ कर दिया है। हम सबका नैतिक कर्तव्य नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि आने वाले समय में हर घर तक हर तहरी तक हर चौखट तक समाजवाद का नारा और समाजवाद की व्यवस्था को घर घर तक पहुंचाएं और आदरणीय नेताजी के इस सम्मान को हम सब आज कसम खा के जाएं कि समाजवादी विचारधारा के साथ साथ अम्बेडकर साहब की विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और घर घर तक पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु हमारे नेताजी पे सदैव अपने चरणों में स्थान देना और हम सब पे आशीर्वाद बना रहे जो नेताजी की विचारधारा को हम सदैव आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति, जय हिंद, जय समाजवाद। इसी के साथ